दोस्तों फोन पे बिजनेस ऐप मर्चेंट में जो बैंक अकाउंट लिंक है, क्या आप वो बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो? तो क्या प्रोसेस है बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए, ईमेल या कस्टमर केयर कॉल? दोस्तों आपके फोन पे मर्चेंट में जो बैंक अकाउंट लिंक है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो मैं खुद कस्टमर केयर से कॉल किया और क्या बोला था आप खुद सुन लीजिए। Welcome to PhonePe Merchant Support. Please stay on the line while we connect you to one of our executives. Thank you for contacting PhonePe Merchant Desk. I'm Shwani. How can I help you today? Madam, my PhonePe business app में जो bank account link है, जी, वो bank account मैं change करना चाहता हूँ. Change bank account change करना चाहते हैं आप? हाँ जी. Okay. आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर बताइए। 97333। हाँ जी। बहुत ही धन्यवाद नंबर कंफर्म करवाने के लिए। लाइन पर बन रही है, जानकारी चेक की जा रही है। सर आपने 9 नंबर्स बताए, आपके नंबर रिपीट कर सकते हैं आपका? 97333। ओके 333 है ये? हाँ जी। ओके आपकी शॉप का नाम बताइए। साहिल स्टोर। क्यूआर कोड का नंबर बताइए। क्यूआर कोड का नंबर है Q14। ओके 580। ओके 342। ओके बहुत बहुत धन्यवाद वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के लिए। सर जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप बैंक डिटेल्स जो है वो चेंज करना चाहते हैं मर्चेंट अकाउंट में, राइट? हाँ जी। जी आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? शुभ नाम साहिल प्रधान। ओके मिस्टर साहिल आपको बताना चाहेंगे कि जो मर्चेंट अकाउंट में जो डिटेल्स रहती है आपकी बैंक की वो कभी भी ना तो चेंज कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं और ना तो आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप क्या करो? आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना तो मॉडिफाइड कर सकते हैं, सेम मर्चेंट अकाउंट यूज करिए। ओके या तो अगर आप चेंज करना चाहते थे नया मर्चेंट अकाउंट बनाना होगा नए नंबर के द्वारा, जो डिटेल्स आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये नंबर से नहीं होगा? नहीं हो पाएगा सर। तो मैं इस नंबर को, ये जो मर्चेंट अकाउंट है मेरा पेटीएम फोन पे बिजनेस में, वो क्या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं? डिलीट करना चाहते हैं मर्चेंट अकाउंट को? हाँ। नो सर, आपका जो मर्चेंट अकाउंट है वो डिलीट तो नहीं होता है, डीएक्टिवेट जरूर होता है। डीएक्टिवेट होता है, उसके बाद में फिर से एक्टिव होता है? नहीं, रिएक्टिव नहीं हो सकता है। एक बार अगर डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो सेम रिएक्टिव नहीं होगा। और डीएक्टिव करवाना चाहते हैं हम, और डीएक्टिव के बाद फिर से मैं दूसरा कोई उस नंबर से दूसरा अकाउंट खोल सकता हूँ क्या? बिजनेस सेम नंबर से नहीं कर सकते, इस नंबर से नहीं होता। ये कैसा हो गया ना, नंबर चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो अच्छा नहीं लगा। नंबर बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, नंबर के लिए हो सकता है वो नंबर वो जो बैंक अकाउंट लिंक था वो तो मेरा तो बैंक अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है ना, तो उसके बाद तो चेंजिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे होगा? ऐसी कोई प्रोसेस अवेलेबल सर? प्रोसेस अवेलेबल होती तो मैं आपको बता देती, ऐसी कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, माफी चाहूंगी इसके लिए। ईमेल के जरिए नहीं होगा? नहीं, प्रोसेस ही नहीं अवेलेबल। प्रोसेस का मतलब समझते हैं सर, ऐसी कोई अपडेट ही नहीं है कि आप बैंक डिटेल्स आपकी चेंज कर सके। अन्य कोई जानकारी? तो फोन पे जो ये मर्चेंट है इसको मैं परमानेंटली डिलीट कैसे करूँ, डीएक्टिवेट कैसे करूँ? डिलीट नहीं होता है, डीएक्टिवेट होता है। करवाना चाहते हैं डीएक्टिवेट मर्चेंट अकाउंट को? डीएक्टिवेट तो करूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। सेम नंबर से रिएक्टिव नहीं होगा देन अगेन? ओके हाँ जी। हेलो, यस सर। हाँ फिर से बोलिए। सेम नंबर से देन रिएक्टिव नहीं होगा अगेन? ओके सेम नंबर से डीएक्टिव नहीं होगा? नो, डीएक्टिवेट हो जाएगा, अगर बंद करवा देंगे देन वापस चालू नहीं होगा, इट मींस रिएक्टिव नहीं होगा वापस। ओके तो क्या फायदा, मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं चेंज हो रहा है ना? कोई इशू नहीं ना सर, आप बिल्कुल डीएक्टिवेट करवा के नया मर्चेंट अकाउंट बना लीजिए नए नंबर के द्वारा। नए नंबर के द्वारा? बिल्कुल। अच्छा
ठीक है, मैं बाद अन्य में कोई डीएक्टिवेट कर जानकारी? लूँगा। अन्य कोई जानकारी? ठीक है, मैं बाद में डीएक्टिवेट कर लूँगा, फिलहाल ठीक है। धन्यवाद। ओके, फोन पे मार्चिन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया है, फोन पे बिजनेस ऐप में बैंक अकाउंट चेंज नहीं होता है और इसलिए आपको कोई दूसरा नंबर यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर देना और इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।